हेलो टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स टू डेज ट्वेंटी फोर जून और ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इट्स अवेयरनेस डे सो लेट्स आट द एनालिस आर फर्स्ट न्यूज आज हम जो पहली न्यूज़ देखेंगे वो है इंडिया चाइना टू तो कूल डाउन एल ए सी टेंशन जो एल ए सी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन चल रहा है वो कहते हैं उसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है क्या कहते हैं जो अभी बीस सोल्जर्स मरे हैं जैसे तो वो जैसे आप कल कल भी आपने बात की थी कि कल मीटिंग होनी थी ऑप्स कमांडर की और उस पर डिसीजन लिया गया मंडे पे मंडे को तो उसी पे इसमें बात की गई है इंडिया चाइना आई अ म्यूचुअल कॉन्सेंस टू डिसंगेज ऑन देयर डिस्प्यूटेड ईस्टर्न लद्दाख बाउंड्री जो ईस्टर्न लद्दाख बाउंड्री है जो एल है उस पर उनका जो इशू चल रहा है उस पर एक म्यूचुअल कंसर्न पर एक म्यूचुअल डिसीजन लिया गया है कि क्या कहते हैं दोनों आर्मी बैक ऑफ कर लें ऐसा डिसीज़न लिया गया है दोनों आर्मी ऑफिशर्स के द्वारा इसमें वही सब पूरा दिया हुआ है इसमें बस ये हमें जानना है इसमें दो टर्म यही है कि पेंगोंग टिशू लेक और एक चिशुल एरिया चलिए आज फिर हम देख लेते हैं पेंगोंग टिशू लेक और चिशुल ले एरिया के बारे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर टू फोर सेवन और इस लोगों के साथ क्वेश्चन आर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कहते हैं न्यूज़ के रिलेटेड होंगे सारे नोट्स आपके यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे आज ये ट्वेंटी फोर जून आज का जो हम पहला देख रहे हैं वो जो लद्दाख वाला रीजन एल ए सी वाला रीजन है उसके कारण जो वो डिस्प्यूट चल रहा है उसी के बारे में हम देख रहे हैं चलिए देख लेते हैं जो पेंगोंग टिशु लेक है वो एक किलोमीटर लॉन्ग लेक है जिसका पैंतालीस किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के अंदर आता है और नब्बे किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में है ये कहते हैं तिथिस जियोसलाइन के द्वारा बनाई गई थी और एक ये क्या कहते हैं सॉल्ट वाटर लेक है जब इसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि ये चुशुल एरिया के आसपास पड़ती है क्या कहते हैं जब हम चुशुल की तरफ जाते हैं तो ये पेंगोंग लेक पड़ती है पेंगोंग टिशू लेक पड़ती है और इसका एक टेक्टिकल सिग्निफिकेंस यही है कि इस इसी रास्ते से ही क्या कहते हैं चाइनीज़ ट्रूप आ सकते हैं चुसुल से ही जो चुसल एरिया है यहीं से चाइनीज ट्रूप इंडिया में आते हैं बस इसका यही टेक्निकल टेक्टिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया और चाइना की बॉडी बाउंड्री सभी को पता है क्या कहते हैं साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर लंबी है और इसे मैकसन मैक सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे मैकमोहन लाइन दिया गया ना क्या कहते हैं यही दिया है फिर 1957 में चाइना ने ऑक्पाई किया था अक्साई चीन और उसके बाद वहाँ पे 1962 वॉर के बाद जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री हेल्पलाइन बना दी गई जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है इसको इशु, इस इशू तरह को इस इंडिया चाइना बॉर्डर के इशू को भी कहते खत्म करने की कई बार कोशिश की गई जैसे 1976 में बातें हुई फिर 1987 में लेकिन खत्म हो गई आठ राउंड की टॉक हुई लेकिन कोई डिसीजन नहीं है इसी तरह कई बार बातें हुई लेकिन कोई डिसीज़न नहीं आया इस वक्त रिसेंटली जो एन के हैं अजीत डोवाल उनको ये इंडिया चाइना टॉक के लिए अपॉइंट किया गया है किसके बारे में वो डिसीजन लें अब देखते हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है जो इंडिया चाइना के बीच में टॉक होती है बॉर्डर से रिलेटेटेड तो वहाँ कहाँ कहाँ पे होती है उसके बारे में ये पांच क्या कहते हैं पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं दो है क्या कहते हैं लद्दाख में एक है सिक्किम में और दो है अरुणाचल प्रदेश में चुशुल चुशुल जो बताया जहाँ से इचाइनी स्ट्रूप इंडिया में आते हैं एक वो पॉइंट है चुशुल और स्पेंगोर गैप इज़ द लेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ लद्दाख रीजन एक ल, नाथुला है ये भी सिक्किम में ये सिक्किम में है चुशुल वह है लद्दाख में और नाथुला सिक्किम में नाथुला के अलावा दो और पास हैं वहाँ पर उनको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन बताएँ मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वहाँ के दो और पास हैं उसके बारे में कमेंट और जरूर कमेंट ज़रूर किया करें वन पार्ट ऑफ द हिस्टोरिक सिल्क रोड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्री ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया बमला पास ये भी क्या कहते हैं, है, हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है क्या कहते हैं इस ये बयालीस किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन टेंगू और ये लगभग चार हज़ार छः सौ तेरह मीटर की ऊंचाई पर है Kibitu, Kibitu भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे 2015 में खोला गया है दौलत बेग लोल्दी ये लद्दाख रीजन पड़ता है और क्या कहते हैं ये 2015 में से खोला गया है चलिए आज अब अगली न्यूज देखते हैं ट्रंप सस्पेंड्स एच वन बी वीज़ा टिल ईयर एंड कि जो एच वन बी वीज़ा होता है उसको कहते हैं ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका प्रेसिडेंट है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है ये जो वीज़ा क्या क्या होते हैं एच फोर वीज़ा होता है जो एच वन बी से डिपेंडेंट होता है एक एल वीज़ा होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र से होता है और एक एच टू बी होता है नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए और एक जे वीज़ा होता है इन सबको ईयर एंड तक बंद कर दिया गया है लेकिन ये ऑर्डर उनके ऊपर नहीं होता जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या जो वहाँ के रहने वाले हैं जो बच्चे वहाँ पर आता हुए हैं जो यू एस सिटीजन्स सिटीजनशिप आ गए हैं यू एस की तो उनके ऊपर ये ऑर्डर नहीं होता है ये उन्हीं लोगों के ऊपर वैलिड है कि उन लोगों को क्या कहते हैं आप वहाँ नहीं काम कर सकते जो क्या कहते हैं वहाँ पे वीज़ा पे गए हैं जैसे एच वन बी वीज़ा पे जो लोग काम करने जाते हैं तो उन पर ये ऑर्डर है कि क्या कहते हैं वो उस वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है चलिए देख लेते हैं एच वन बी वीज़ा के बारे में एच वन बी वीज़ा इज़ अ वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट अंडर द इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट सेक्शन वन जीरो वन ए फिफ्टीन एच डेट अलाउज यू एस एम्प्लॉय टू टेम्परली अन्प्लॉय फॉरन वर्कर्स इन स्पेशल टी क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ये वीज़ा बताता है क्या हैं ये कहते हैं कि यू एस के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं अपॉइंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी फॉरेन कंट्री के भी वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ पे काम करने के लिए इसमें यही बताया गया द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज़ थ्री ईर्यर्स एक्सटेंडेबल टू सिक्स ईर्स कि तीन साल तक ये वीज़ा वैलिड होता है लेकिन ये छः साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है इस वीज़ा को एच वीज़ा को एच वीज़ा हैज़ एट रूट्स इन द एच वीज़ा ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन क्या कहते हैं ये इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ नाइनटीन के अंदर आता है द स्प्लिट बिटवीन एच वन ए फॉर नर्सेज एंड एच वन बी फॉर ग्रेटेड बाद द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन ये एच वन ए और एच वन बी नाइनटीन नाइन्टी में इसे सेपरेट किया गया इसे स्प्लिट किया गया एच वन ए होता है नर्सेज के लिए और एच एन बी बाकी लोगों के लिए सिक्सटी फाइव थाउजेंड एच वन बी वीज़ा मेड अवलेबल ईच फीसल ईयर्स लगभग पैंसठ हज़ार एच वन बी वीज़ा हर साल क्या कहते हैं अवेलेबल कराए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के मेम्बर्स के लिए हम देख लेते हैं अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर जो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं इस हैज़ अथोराइजेशन टू लिव एंड वर्क इन यूनाइटेड स्टेट ऑन अ परमानेंट बेसिस ग्रीन कार्ड होल्डर वो लोग पर्सन होते हैं जो कहते हैं उन्हें अथोराइजेशन मिल जाती है उन्हें वहाँ रहने की और काम करने की वो वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं एक तरह से एज अ प्रूफ ऑफ द स्टेटस यू एस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ग्रेंड्स अ पर्सन आ परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कॉमनली कॉर्नर ग्रीन कार्ड वो एक लगभग मान लीजिए परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है कि वहाँ रहने का उनका वो एक सिटीजन हो जाते हैं वहाँ के यू के उन्हें ग्रीन कार्ड होल्डर कहलाते हैं चलिए आगे देख लेते हैं आयुष लेंस ऑन रामदेव कोविड नाइन्टीन क्योर जो क्या कहते हैं सेंटर आक्स पतंजलि तो स्टॉप एडवर्टाइजिंग द ड्रग्स डिटेल ऑन फॉर्मूलेशन क्या कहते हैं रामदेव बाबा क्या कहते हैं जो पतंजलि है रामदेव जी रामदेव की वो क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं कोरोना नाम की दवा खोजी है जिसे कहा है कि वो कोरोना को जल्दी से जल्दी सही कर देगी कोरोना पेशेंट्स को ऐसा उसमें कहा गया है तो सेंटर ने कहा है कि उसको इतना वो प्रमोट ना करिए जब तक उसकी बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ना आ जाए सेंटर के पास तब तक उसे पूरी तरह से प्रमोट इतना ज़्यादा ना करिए इसमें यही कहा गया है इन स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑन द क्लेम्स मेड बाय हरिद्वार उत्तराखंड बेस्ड पतंजलि आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग कोविड नाइन्टीन द मिस्टर नेट्स दट इजन कॉगनेस ऑफ द न्यूज बिंग रीसेंशन डार्क ड्रग फैक्ट्स ऑफ द क्लेम रिलेटेड टू द ड्रग्स एंड डिटेल ऑफ़ द स्टेटेड साइंटिफिक्स आर नॉट नोन टू द मिनिस्ट्री कि इनको तब तक प्रमोट ना किया जाए कि जब तक कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए ड्रग के बारे में कि वो कैसे वर्क करती है या कैसा उसका इम्पैक्ट होगा जब तक उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाएगा तब तक उसे प्रोमोट ना किया जाए और मार्केट में ना लाया जाए ऐसा इसमें कहा गया है और कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए कहते हैं सी है, को क्या कहते हैं कमिटी क्लियरेंस क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन दिए जाए उसका नाम उसको फॉर्मूला क्या है उसका साइज़ क्या है उसका प्रोटोकॉल सब कुछ बताया जाए रिसर्च स्टडी पूरी दी जाए उसकी कि कैसे वो बनी है ये सब उसको दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को द कंसर्न आयुर्वेदिक ड्रग मैनुफैक्चरिंग कंपनी हैज़ बीन इन्फॉर्म सट दट सर्च एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन आर रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 फिफ्टी फोर एंड रूल्स अंडर अंडर द डायरेक्टर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ कोविड नाइनटीन ऑट ब्रेक इसमें कहा गया कि जैसे जो आयुर्वेदिक से मेडिसिन बनती वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के अंदर आती है इनके अंदर आती है और इसे पूरा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास तो इसमें यही बताया गया आप देखते हैं अगली न्यूज़ कंट्री ऑफ औरिजिन मस्ट ऑन जी एम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट जी एम प्लेटफॉर्म होता है ई प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लेस कॉम लोग जी एम प्लेटफॉर्म कहते हैं ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि कंट्री के सारे जितने भी सेलर हैं उनको अपना इस प्लेटफॉर्म एक ई प्लेट ई मार्केट प्लेस है वहाँ पे रजिस्टर कराना होगा और डे टू डे अपडेट भी करना होगा जिससे नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा ऐसा इसमें कहा गया यूनियन गवर्नमेंट हेज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल सेलर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट टू लिस्ट द कंट्री ऑफ ओरिजिन वाइल्ड रजिस्टरिंग न्यू प्रोडक्ट्स की वो न्यू प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराने के लिए वो रजिस्टर करें पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है जो पब्लिक प्लेसेस वाले हैं जो बेचते हैं सामान द चेंजेस टू द जी अ स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर इन लाइन विद द देंटर्स आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पॉलिसीज ये जी एम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ के अंदर आता है चलिए देख लेते हैं जी एम के बारे में ई मार्केट प्लेस के बारे में और हमारे नोट्स में जी एम इज़ द स्टेट ऑफ़ द आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट और

कि पब्लिक तक पहुंच सके आराम से तेजी से और पूरा ट्रांसपेरेंसी हो उनके वर्क सिस्टम में और बहुत तेज़ी से पहुंचे तो इसलिए ये क्या कहते हैं बनाया गया ई मार्केट प्लेस इट फैसले ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज़ गुड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं वही की क्या कहते हैं जो कॉमन यूज़ मटेरियल होता है जो क्या कहते हैं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पी सबको जरूरत होती है उसके लिए वो प्रोवाइड करा सके और जल्दी से जल्दी और पूरी ट्रांसपेरेंसी हो पूरे सिस्टम में तो इसके लिए ये होता है अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़ स्पेशल स्कीम फॉर पुअर टू बी लॉन्च इन राजस्थान द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड हंड्रेड करोड़ एनुअली इन इम्प्लीमेंटेशन की एक स्पेशल स्कीम प्रोग्राम स्पेशल किचन स्कीम क्या कहते हैं गरीब लोगों के लिए चालू की गई है राजस्थान में जिससे उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा सके जैसे उनका एजेंडा है नो वन स्लीप्स हंगरी जिससे उनका एजेंडा है उसको वो लोग पूरा करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्कीम चालू की गई अ न्यू किचन स्कीम नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विल शॉर्टली बी लॉन्च इन राजस्थान फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड टू द पुअर एंड नीडी ट्वाइस अ डे एट कंसेशनल रेट्स क्या कहते हैं दिन में दो बार उन्हें क्या कहते हैं सस्ते से सस्ते में खाना मिल सके गरीबों को जिससे वह लगभग भूखे ना सो सके या रह सके तो इसलिए ऐसा किया गया है द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड हंड्रेड करोड़ एवरी ईयर ऑन द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करे अच्छी तरह से तो स्टेट गवर्नमेंट सौ करोड़ हर साल इस पर लगाएगी इस तरह क्या कहते हैं कई बार पिछली सरकार ने भी बीजेपी में वहाँ के क्या कहते हैं ऐसा चालू किया था जिसमें पाँच से आठ रुपये तक में क्या कहते हैं थाली मिल जाती थी जो ये क्या कहते हैं जो तमिलनाडु में अम्मा उनवा ग्राम था मदर्स कैंटीन जो तमिलनाडु में उसी तरह के उसी के दर्ज पे बनाया गया था उसे तो वैसे ही ये भी एक स्कीम है जिसमें दिन में दो बार खाना प्रोवाइड किया जाएगा गरीब लोगों को अच्छा प्रोग्राम है और ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो तो बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए अनडिज़ायरेबल एक्विटल ये पूरा एडिटोरियल क्या कहते हैं एक के कास्ट मर्डर केस पर है जो कहते हैं एक मर्डर केस हुआ था उस पर पूरा है हेडोरियल ये आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं लेकिन कोई इसका का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम लोग नहीं देखते हैं डाउनिंग द शटर्स ट्रम्प्स वीज़ा हॉल्ट में रन इन टू अपोजिशन फ्रॉम अमेरिका इन कॉरपोरेशन बिफोर द नवंबर पोल कि जो ट्रम्प ने वीज़ा क्या कहते हैं जो बंद किया है एच वन बी वीज़ा बंद कर दिया है उसे माना जा रहा है कि नवंबर तक रहेगा नवंबर तक उसे बैन वो रिफ्यूज़ रहेगा क्योंकि नवंबर में ही चुनाव होने प्रेजिडेंट के तो कहते हैं उसके बाद आगे देखा जाएगा अगर कौन प्रेजिडेंट बनता है तो नवंबर तक तो इसे कैंसिल कर दिया गया है चलिए देख लेते हैं कौन सा वीज़ा किसके लिए होता है एच वन बी वीज़ा होता है स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए एच वन बी वीज़ा होता है विच इज़ वाइडली गर्न बाय द इंडियन नेशनल्स ये मैक्सिमम इसमें इंडियंस रहते हैं स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं मैक्सिमम जितने भी एच वन बी वीज़ा वाले होते हैं इंडियन नेशनल्स होते हैं एच टू बी वीज़ा इशू टू सीजनल वर्कर्स इन द लैंडस्केपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एच टू बी वीज़ा क्या कहते हैं एक जो सीजनल वर्कर्स होते हैं कुछ समय के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो H2B टू बी वीज़ा पे आते हैं एलवा एलवन वीज़ा फ़ॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होके आते हैं वो एलवन वीज़ा पे आते हैं और जे वन वीज़ा फ़ॉर स्टूडेंट्स और वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स जो कहते हैं जेवन वीज़ा उन लोग उन बच्चों के लिए होता है स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कहते हैं इंटर्नशिप के लिए या कहते हैं कुछ वर्क स्टडी के लिए बाहर जाते हैं वहाँ पर जाते हैं यू एस पे तो उनके लिए वीज़ा होता है इस पूरे प्रोग्राम यही दिया है द इसका रीज़न दिया गया कि कहते हैं इसका रीज़न दिया गया व्हाइट हाउस में क्या कहते हैं जैसे आप देख देखे रहोगे कोविड नाइन्टीन के कारण कितनी महामारी फैली हुई है क्या कहते हैं लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं क्योंकि जॉबों से काफ़ी लोगों को हट गए हैं हटा दिया गया है सैलरी कम कर दी गई है या सैलरी काटी जा रही है तो ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही हाल यू का भी है तो क्या कहते हैं प्रेजिडेंट ने कहा यू के कि हमें हम आप अपने लोगों को देखना है इसीलिए अमेरिकन को हम लोग से पहले देखेंगे प्रायोरिटी पहली अमेरिकन है तो अमेरिकन लोगों को ही क्या कहते हैं जॉब दी जाए अभी जब तक ये कोविड ब्रेक आउटब्रेक ख़त्म नहीं होता है ऐसा जैसे माना गया कि फरवरी से अप्रैल के बीच में लगभग बीस मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी यू वर्कर्स ने जो यू के लोग थे उन्होंने ही यू में जॉब खो दी लगभग बीस मिलियन लोगों ने जो क्या और इन इंडस्ट्री जहाँ से लॉस हुई है उन्होंने एच वन बी और एल वर्कर्स को फिल करने के लिए जिम क्या कहते हैं रिक्वेस्ट की थी एस एस में कहा गया है इस रिमार्क से जो क्या कहते हैं प्रेजिडेंट का था उससे गूगल के सी सुंदर पचेक ने क्या कहते हैं ट्वीट किया क्या कहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो वर्क करते हैं यूएसए में काफ़ी लोग मैक्सिमम लोग नहीं काफ़ी लोग जो होते हैं वो बाहर से आते हैं फॉरेन कंट्रीज से आते हैं कम काम करने के लिए तो अगर उन लोगों को बुलाया नहीं जाएगा तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा और क्या कहते हैं यूएस को भी घाटा हो सकता है क्योंकि जो स्किल लेबर है मैक्सिमम इंडिया से आते हैं तो उन्हें एच अगर एच वीज़ा पे नहीं बुलाया गया तो वहाँ पर कौन काम करेगा उस पोजीशन पे उतना और वो भी इतना स्किलफुल तो इसमें यही बात उन्होंने अपने ट्वीट में बताई है अट्रीब्यूट टू को फाइनेंस मैन बी पी आर विदर्ट ट्रेट्स ऑफ प्रोफेशनल प्रेगनेंस एंड ओपन माइंड वर मेड हेमा कोलोसस ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जो अभी क्या कहते हैं इनकी डेथ हुई है ये नाइन्टी थ्री साल के थे जो नाइन्टी थ्री में ही क्या कहते हैं पास हो गए तो कहते हैं इसमें वही उन्हीं के बारे में बताया गया पूरा एडिटोरियल कहते हैं पूरा एडि ऐसा ही है आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में भी रहे थे और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी फाइनेंस एडवाइजरी भी रहे थे तो इसमें इनकी ये पोजीशन रही है अब एक आता है एटोरियल एरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिट्री पावर वॉट इज़ वरिशम टूडे इज़ द दिल्स कंटेलमेंट ऑफ लिबर्टी एंड बेजन पार्टनरशिप इस पूरे एटोरियल में आर्बिट्री पावर के बारे में बात किया आर्बिट्री का मतलब होता है ख़ुद से कोई क्या कहते हैं कोई रूल के हिसाब से नहीं अपना जो मन किया वो हमने किया वो आर्बिट्री होता है एज पर योर विश जो हम चाहे वो हो ऐसा आर्बिट्री का मतलब होता है थर्ड वायरस अराउंड विच इज़ लेस स्पोकन अबाउट अ वायरस ईटिंग इन टू सिविलडिंग आ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर द वायरस आर्बिट्री पार इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं कोरोना तो हमें खा ही रहा है क्या कहते हैं उसके साथ एक और वायरस है जो कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी को खा रहा है वो है आर्बिट्री पार जो बहुत तेज़ी से हमारी डेमोक्रेसी को खा रहा है ऐसा इसमें कहा गया जैसे आपने देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट का क्या कहते हैं बेल का बेल को डिनाई कर दिया गया और कहा गया कि उसे बेल नहीं दी जाएगी वो सिर्फ इतना उसने किया था कि कहते हैं वो सिटीजनशिप जब अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया था तो उसके खिलाफ उन्होंने अपोज किया था और क्या कहते काफ़ी जो क्या कहते काफ़ी लोग और भी थे लेकिन काफ़ी लोग अरेस्ट हुए और काफ़ी लोग बच गए उसमें जो क्या कहते हैं अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया था उसमें फ्रिक्वेंट आर्बिटनस इन द पोलिटिकल डोमेन लीज टू ट्रेनिंग क्वाइट लाइक वैनस्टेंड प्रन द सोशल स्पीय एट लीज टू स्लेवरी आट द वे टेम्प बेसिक फ्रीडम इसमें कहा गया है कि ये कहते हैं जो आर्बिट्री पावर यूज हो रही है जो अपने एज पर यू विश कोई भी चीज कर देते हैं जो बहुत अपने ऊपर रूल कर लिए मोनार्की टाइप रूल कर लिए तो वो कहते हैं एक स्लेवरी की तरफ लीड कर रहा है कि हम लोग स्लेव कर रहे हैं हम लोगों को ऐसा इसमें एडिटोरियल में कहा गया है इसमें यह भी कहा गया है इस क्वेश्चन भी किया गया है कि आर्बिट्रेजनेस और लॉस ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या कनेक्शन है इसमें एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या कहते हैं आर्बिट्रेज और लॉस ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या कनेक्शन है इसमें यह पूछा भी गया है और इसमें कई एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कैसे लोग कहते हैं जैसे दो लोग हुए दो लोग ने क्या कहते हैं ट्रैफिक लाइन वो क्या कहते हैं जेब्रा क्रॉस जेब्रा लाइन क्रॉस कर दी लेकिन पुलिस वाले ने क्या कहते हैं एक ही लोगों को पकड़ा क्या कहते हैं उसका मन उसने एक का चालान काटा एक का नहीं काटा उसने कहा कि कहते वो ज़्यादा दूर था और तुम कम दूर थे क्या कहते ऐसा कुछ हो सकता है तो उसका विश के हिसाब से ऐसे एग्ज़ाम्पल कई दिए हुए हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल एग्ज़ाम्पल क्या कोई भी हो सकता है लेकिन ये एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि क्या कहते हैं आर्बिट्री पॉलिटिकल पावर क्या हो सकता है और हमारी फ्रीडम कैसे लॉस हो रही है इसमें यही बताया गया है इसमें एड्रोर में भी क्या आ गया जो आर्टिकल ट्वेंटी वन है कॉन्स्टिट्यूशन का एवरी सिटीजन द राइट ऑफ बेसिक लिबर्टी एंड सिक्योरिटी उसके हर सिटीजन के पास बेसिक लिबर्टी की राइट है और क्या कहते हैं फ्रीडम की राइट है और सिक्योरिटी की राइट है ऐसा आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है और आर्टिकल ट्वेंटी टू कहता है कि दैट एनी वन अरेस्ट इन डिटेन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द गॉ सच एंड अरेस्ट एंड मस्ट बी ब्रॉड बिफोर अ कम्पीटेंट लीगल अथॉरिटी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम इस आर्टिकल ट्वेंटी टू कहता है कि कोई भी अगर पकड़ा जाता है तो उसे बताना बताना पड़ेगा कि वो किस लिए पकड़ा गया है उसे किस लिए अरेस्ट हुआ है और क्या कहते हैं उसे किसी लीगल अथॉरिटी के सामने क्या कहते हैं उसे लाना होगा और क्या कहते हैं उस पर जैसे किसी भी कोर्ट में उसे लाना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी तभी ऐसा हो सकता है नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है जैसे हमने देखा था कि दो हज़ार में भी कई एंटी करप्शन मूवमेंट हुए थे लेकिन उन्हें जेल में नहीं भेजा गया तो क्या कहते हैं इसमें एक और क्वेश्चन राइज होता है वाई आर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट चार्ज शीटेड टू डे फॉर सिंपली डूइंग द जॉब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और क्या कहते हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में क्यों डाला जाता है उनको चार्ज शीट उन पर क्यों फ़ाइल होती है जब वो अपना जॉब ही कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं गलतियाँ हो रही होंगी उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसके प्रोटेस्ट के लिए उन्हें क्यों फ़ाइल किया जाता है इसमें ये क्वेश्चन अराइज़ हुआ है जैसे आप जान ही रहोगे जो इमरजेंसी है उसकी एनिवर्सरी होने वाली है कल उसकी एनिवर्सरी है क्या कहते हैं तो उसके बारे में यही बात की गई है इस पूरे एडिटोरियल में वही आर्बिट्री पावरनेस के बारे में पूरी बात की गई है कि कैसे लोगों को क्या कहते हैं हम स्लेव कर रहे हैं ये लोग हमें वही उस पर बात है और कैसे हमारी फ्रीडम लॉस हो रही है इसमें वही बताया गया एग्जांपल एग्जाम्पल के द्वारा चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं सी बी आई टुक्स मणिपुर सी एम इन एम्बेजमेंट कैश के केस क्या कहते हैं सी ने ये इसका कंटेस्ट उत्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सी बी आई इम्पॉर्टेंट है सी बी आई ने क्या कहते हैं इसमें यही न्यूज़ में है कि सी बी आई ने क्वेश्चन किया है जो मणिपुर के सी एम हैं जो पहले सी एम थे उन पर उनको एम्बेजलमेंट केस के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बताएं एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं चलिए देख लेते सी बी आई के बारे में सी बी आई इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन द वर्ल्ड ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की ये कहते हैं वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवेंसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये कम करती है इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया ये मैक्स बड़, सबसे बड़ी क्या है, कहते हैं पुलिस एजेंसी इंडिया की डायरेक्टर सी बी आई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं इसका जो डायरेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसका दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को दो हज़ार चौदह तक सी बी आई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे डी एस पी एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे दो हज़ार तीन में डी एस पी ई एक्ट वॉल रिवाइव सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन इन दिन विदिन नारायण केस और उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है सी बी आई डायरेक्टर को दो हज़ार चौदह में क्या कहते हैं लोकपाल एक्टेड प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर अपॉइंट सी बी आई हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है दो हज़ार चौदह में क्या कहते हैं लोकपाल एक्ट में इसके कमेटी के लिए इसको क्या कहते हैं इसके डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इसके अदर मेंबर भी होते हैं सी में लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज इस कमेटी के मेम्बर होते हैं वो मिनिस्ट्री सेंटसल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डी डायरेक्टर ऑफ डी डी ओ पी टी का फुल फॉर्म क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन द डी the ओ पी टी प्रिपेयर द फाइनल लिस्ट ऑन बेसिक सॉफ्ट सीनियरिटी, सीनियोरिटी इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेज एंड सेंडिटोर कमेटी और चेक करती है कि कहते कैंडिडेट्स को कि उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है फिर उस रिपोर्ट को क्या कहते भेजती है कमेटी को ये डी ओ पी टी फिर उस पर कहते हैं चर्चा होती है फिर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है द डायरेक्टर ऑफ सी बी आई उसको दो साल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है सी एक्ट दो हज़ार तीन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएँ सी एक्ट के बारे में कुछ भी जो आपको पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सी वी एक्ट के बारे में सी का परफॉर्म ही आप बता दीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें तो थैंक यू फॉर द टुडे थैंक यू वेरी मच